हाई एवरीवन। सो अभी अभी एनटीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कंक्लूड हुई है, एक बेसिक सा कंक्लूजन जो सबके सामने है कि रीनीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग डाउट में ऑब्वियसली चल रहे थे कि होगा नहीं होगा, इस चक्कर में दिमाग भी कंफ्यूजन में चल रहा था। तुम अकेले नहीं थे, सारे टीचर्स का भी दिमाग उसी दिशा में चल रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। एनटीए ने ये चीज़ एकदम कैटेगोरिकली क्लैरिफाई कर दिया है कि ये मसला जो है ये पूरे 23 लाख बच्चों का नहीं है जिन्होंने पेपर दिया है, ये सिर्फ 1600 बच्चों का है जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। उनसे फार्मूला पूछा गया तो उन्होंने बोला कुछ तो है, डिटेल फार्मूला भी नहीं आया है सामने तुम्हारे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि कमेटी बनाई गई है जो इसको पर्टिकुलरली एड्रेस करेगी। इसका मतलब हो सकता है अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, और इस पर दिमाग में क्लैरिटी ले लो कि ये उन 1600 बच्चों के लिए जो 6 सेंटर्स पर हैं अक्रॉस इंडिया, उनके लिए हो सकता है मेरिट चेंज हो जो ओवरऑल मेरिट को इफेक्ट करेगा, री एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ जो 600 के नीचे हैं, 610 के नीचे हैं। देखो कुछ भी कर लो, जो कट ऑफ जानी है वो 625-30 के नीचे तो गिरने का कोई स्कोप है ही नहीं। ये मैं स्टेट पे भी चला जाऊँ तब भी मैं बता रहा हूँ, AIQ बहुत हाई एक्सपेक्टेड है। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान ऐसे स्टेट जहाँ पर हर साल कट ऑफ आसमान छूती है वो भी हाई एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल उन बच्चों के लिए एडवाइस है जो 600 के नीचे हैं, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी या स्पेसिफिक ऐसे कोटा में नहीं है जिससे उन्हें सीट मिल सकती हो, या इनका कोई सेकंड प्लान नहीं है जैसे कि वो अगर BDS, BAMS, BHMS करना नहीं चाहते हैं। वो लोग अपने दिमाग में इस बात पे एक बार ज़रूर इंट्रोस्पेक्ट करना कि तुम जिस भी स्कोर पे हो उस पे अब आगे तुम्हें क्या करना है, बिकॉज NTA ने तो जो क्लैरिटी दी होती, ठीक है। और इसको ना प्लीज़ किसी रैंडम YouTube वीडियो से, इनफैक्ट ये वीडियो देखकर भी डिसाइड मत करना, ठीक है। आराम से बैठो, अपने आप से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, और एक कंक्लूजन तक पहुंचो कि करना क्या है, ठीक है। NTA ने तो बता दिया करके, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आगे मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता वीडियो में कि क्या ही बता करके गए, तुमने डिटेल वीडियो कॉन्फ्रेंस देखी ही होगी, ठीक है। तो आराम से इंट्रोस्पेक्ट करो, घर वालों से डिस्कस करो, और तुम्हें क्या करना चाहिए इसको डिसाइड करो। अगर दिमाग में है किसी फील्ड में, देखो मैं ये भी क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि ये फील्ड ज़रूरी नहीं है सबसे अच्छी फील्ड है, इससे लाख गुना अच्छी फील्ड है दुनिया में, ठीक है। तो उनमें से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर मन में इंटरेस्ट है ये करने का तो अगेन उसका डिसीजन मेकिंग अपने हिसाब से कर लो, किसी वीडियो को देख करके डिसाइड मत करना, इसको ध्यान रखना। बाकी NTA ने जो बताया वो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं इस पर इसको ज़रूर कमेंट्स में डालना। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस भी स्कोर पर हो कोई भी अनटूवर्ड थॉट, कोई भी गलत डिसीजन दिमाग में लेकर के मत आना। बहुत सारी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ यहाँ वहाँ से आती रहती हैं, प्लीज़ ऐसा कुछ भी, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें पता है अच्छी तरह से, है ना। तो ऐसे कोई भी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ जो तुम्हारे सामने भी आती रहती है वैसा कभी थॉट प्रोसेस लेकर के मत आना, दिस इज़ नॉट इट, ठीक है। इट इज़ अ वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। डेट हैज़ हैपेंड, गया एग्जाम, गया खत्म, रिजल्ट गया खत्म, अब आगे का सोचो, ठीक है, जो भी है जैसा भी है। बाकी NTA ने जो बताया मुझे, मैं ऑनेस्टली देखो थोड़ा सच सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो है मैं बता रहा हूँ, रेयर चांस है, रेयर क्या 0.0001% चांस है कि फिर से कोई एग्ज़ाम जैसा कुछ हो, ठीक है। ये मैं बहुत क्लैरिफाई करके बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे मूड ही नहीं लग रहा NTA का ऐसा कुछ। रातों रात नोटिस निकालते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही एक्सप्लेन कर डालते हैं, बड़ा ही मुश्किल है ऐसा कुछ भी होना, ठीक है, ना के बराबर चांस है। बाकी डू लेट मी नो योर व्यूज डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। बाकी अपना ख्याल रखो, और बस अभी फिलहाल ख्याल ही रखो, आराम करो एकदम से, ठीक है, मिलते हैं फिर।